संघ प्रखंड अध्यक्ष सोनबरसा, मेरा ही धान गोदाम में 100 कुंटल धान मेरा और मेरे भतीजा का धान गोदाम में रख करके और अधिप्राप्ति रसीद नहीं देने का काम किया और घोटाला करने का काम किया। जब मैं उसके विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री तक, कृषि मंत्री, जिला सहकारिता मंत्री, जिला समाहर्ता, राज्य के जितने भी माने मंत्री हैं, कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री सबों के यहाँ जब मैं अपना एप्लीकेशन दिया, जब चारों तरफ से वह जिला जांच कराने की मांग की, तब जा करके वह धान गोदाम में होने का वह सकारा, अपनी गलती को सकारा। और जब जिला समाहर्ता के द्वारा आदेश हुआ, तब जाकर हमारे धान का पेमेंट किया। यह कैसा समय है, कैसा समाज है, यह कैसा पक्ष अध्यक्ष का दादागिरी है, कैसा घपलाबाजी है जो हम किसानों का धान काटा। हम किसान जाए तो कहाँ जाएंगे, जब हम चौतरफा उसको घेरा तब जाकर के हमारे धान का पेमेंट हुआ है। यह किसानों के साथ घोर अन्याय है। ये नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार को, भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को क्या कहते हैं, उनको पोसने का काम करता है, पालने का काम करता है, उस माध्यम से किसान को लूटने का काम करता है। किसान को कोई सम्मान नहीं देता, किसान को कुछ समझता ही नहीं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। 70% आबादी गांव में रहती है, किसान और मजदूर जो अनाज उत्पादन करता है, उसके उपजाए हुए सारे चीजों से